और दोस्तों क्या हाल चाल, समझते है? वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। मेरा गलत चलो पार्टी में हाँ चलो। तो आज मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, वही रात को 11:30-12 बजे ट्रेन लेट हो जाएगी, तो हो सकता है रात को 1 बजे ही मिले। तो देखते हैं, गला ठीक हुआ नहीं है मेरा। और आज यहाँ पे चिकन पार्टी होने वाली थी, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे चिकन नहीं खाते, तो इसलिए एग पार्टी है आज फैमिली। हाँ कहाँ जा रहे हैं? दादा के पास जा रहे हैं, मुर्गी के अंडे। तो शाम को वही 4 बजे के आसपास यहाँ से निकलूँगा। सफेद आलू बोले तो? हाँ सफेद आलू। शाम को 4 बजे के आसपास निकलूँगा और पहुँच जाऊँगा 9 बजे तक झांसी। और एक आध 2 घंटा तो वेट करना पड़ेगा भाई साहब। और मैं जा रहा हूँ सिर्फ ना, मैं जा रहा हूँ और डूडू की मम्मी जा रही है यहाँ से। और अभी मेरे भाई की काफ़ी ज़्यादा रस्में बाकी हैं, अभी रोटी छुएगी, मतलब रोटी बनाएगी बहू, वो वाली चौथी होती है वो। अब मैं क्यों जा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को पता है, देखते हैं भाई अब। हाँ सर जी, उसका फोन आ रहा है। किसका? वो दिलीप का। थोड़ा फोटो को अटैच कर लो जाके, वो बोल रहा है कि आराम से अभी चाहिए हो तो अटैच करो जाके, तो शाम तक। तो फोटोग्राफर का फोन भी आ रहा था कि भैया फोटो वगैरह देख लो, सिलेक्ट कर लो। ये दादा यहाँ काम चालू है, ये छोटी छोटी बात प्याज ले आए, पीसना है बस इसको। और ये भट्टी बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए। तो जी चलो सुरेश पर। बिल्कुल। कब? तुम निकलो, हम आ रहे हैं 2 दिन बाद। 2 दिन बाद नहीं, इनको टाइम लगेगा कम से कम 5-6 दिन। अभी आओ देखो, 20 तारीख से पहले नहीं जा पाएंगे। ये देखिए अभी इतना बड़ा गंज रख दिए हैं और इसको धोना पड़ेगा। चलो भाई बनाओ। उस तो अभी अंडा उबाल रहे थे लेकिन अंडा फट गया। नमक डाले थे कि नहीं डाले थे? पानी में डाले थे, फिर भी फट गया भाई थोड़ा थोड़ा। कितने अंडे हैं बाबा? 60 अंडे। आओ गब्बर भैया, आज इनविटेशन है पूरे मोहल्ले का। मुख्य अतिथि ये, और कोट वोट पहन के आइए। हाँ तो यहाँ पे अंडा उबल चुके हैं और अब इसकी छिलाई होगी। और ये यहाँ बैठे हैं, देख लीजिए, या जा रहे हैं। तो ये आज निकलने वाले हैं यहाँ से, इनका इंतजाम हो गया है। तो दोस्तों अभी ना ये, ओ बाप रे, तो गर्म है यार, इसका पानी चेंज करना है। लो भैया चलो, रख दे मुकेश के ऊपर, चलो इसको रख देता हूँ। कंप्लीट हो गया, अंडा ठंडा हो जाएगा, अंडा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद छीलेंगे इसको। देखिए अंडा छीलना स्टार्ट का हो, अरे वो फटा है, ये फटा था पहले से। और बाकी चलिए छील लेते हैं, बाकी जितने भी हैं। तो भाई अंडा छिल दिए यहाँ पे, पूरे अंडे छिल चुके हैं, कुछ ख़राब भी निकल गए। और लाइट तो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये किसनू से ना प्याज को और लहसुन को किस रहे हैं चाचा श्री। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो गिल्ली अंदर छुरा तो बाबा पहुँच रहा तुमने। चलो भाई चलो, 2:30 बज गए हैं, अब ससुराल में भी रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, 1-1.5 घंटा, और उसके बाद चले जाएंगे। देखो दूध निकाल दे, देखो। चलो चलो चलो। तो दोस्तों गाड़ी में सामान लोड हो गया है, डूडू की मम्मी आगे चली गई सबके पैर छूते छूते। बाय बाय सबको, बाय बाय। अब पैदल जाना पड़ेगा शायद इतना दूर तक। मैं बोल रहा था इन लोगों से पहले कि बैग से सामान छोड़ के आ जाओ, फिर ले जाना, इतनी ज़्यादा धूप भी है अभी, 2:30 बज रहे हैं तकरीबन। ठीक है चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मिट्टू मिल गया है, इसको ले जाएं। मिट्टू काटेगा नहीं ना बच्चा? काटता नहीं है। नहीं काट रहा है, मेरा वाला मिट्टू काटता था। जो नहीं काट रहा, देखो हाँ वो हमारा हो तो वो खा लिए तो अभी अपना वाला होता तो काट लेते ना। बता हमारा तो हाल, हमारा तो हाल,
हमारा तो हाल मार दे तू पापा पापा ने किया जी से क्या दिन बाद में कितना प्यार मिल रहा है जल्दी पिया जा बोली जाओ जा बेटा जा तो मेरा भाई सामान छोड़ने गया है वो आ जाएगा तो डुडुक को उसकी मम्मी को और अंशिका को ले जाएगा। मैं पैदल जा रहा हूँ बस स्टैंड तक। भाई साहब बहुत तेज़ गर्मी यार। अभी जो साथ में रिंकू भैया आए थे ना बगल में गुरुजी शादी में, तो रिंकू भैया छत्तीसगढ़ में पहुँचे क्या बोले पता है फ़ोन करके कि भाई इधर आया हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर में ना ग्रीन जो मैट लगता है जैसे मैं ठेले में लगाया हूँ वो वाला लगाया हूँ या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। धूप में मतलब उधर की धूप ना हल्की थी लाइट थी और मैं बोला इधर का उधर इधर का ना धूप ऐसा लगता था जैसे कोई आग ही फेंक दिया ऊपर से। स्पीकर में करके बात करें तो सब कुछ सुना है मैं यहाँ पे। इधर में वाकई में बहुत तेज़ गर्मी रहता है यार। तो भाई टेम्पो मिल गया बैठ गए टेम्पो में। चलो भैया चलो चलो। तभी हम लोग फिलहाल बस में बैठ गए हैं। डुडुक भी बैठ गई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ है भाई। गर्मी भी बहुत तेज़ लग रही है यहाँ पे। भाई गुल्ली बाय। तो दोस्तों उस बस से उतर के दूसरी बस में बैठ गया हूँ। अब वही है कि ट्रेन से जाना था लेकिन ट्रेन मिस हो गई। अब इसी से जा रहा हूँ तो ढाई घंटे के आसपास लगेंगे और 8:30-9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। देखते हैं चलो भाई। मेरे को पानी का बोतल लेना है लेकिन बस रुके चलूँ यार। अब एक सवारी कोई सवारी घुसती है रास्ते में लड़क के अंदर चली जाती है। अब बस में जैसे ही उतरा ना वैसे ही जस्ट बैग वगैरह अंदर में रखा और उसके बाद ही चलने भी लगी। डुकडुक के लिए ना पानी रखे थे लेकिन ख़त्म हो गया। पानी है थोड़ा सा है ठंडा पानी है लेकिन डुकडुक के लिए रखे इसको। अब मैं पहलूँगा इतना जोर से प्याज लगाए ना तो बेटा कहाँ पिएगा ना बेटा। ओ बोली ए देख इसको भी साथ में ले जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा मतलब मन बहलता रहेगा हम लोग का भी। ये मेरे जीजा की लड़की है। 3 लोगों का 480 रुपये कटा हुआ है। इसमें वापसी बाद में देंगे। तो फिलहाल भाई झांसी पहुंच चुका हूं और बस में ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और अभी देखो यहाँ पे बैठे हैं डुडुक को पानी पिला रही हैं। बहुत पानी पीती है अभी ये लड़की गर्मी के चक्कर में। तो अभी हम लोग के पास 2 घंटा है तो भाई मैं देख रहा हूँ रोटी लाए थे सब्जी नहीं लाए थे तो वहीं देख रहा हूँ सब्जी कहीं से मिल जाए। मतलब ऐसे नहीं मिलेगा कहाँ पी ले चले खाना खान। सामान बहुत सारा है यार। चलो ये भी ये पकड़ेगी ये भी ये पकड़ेगी और इसको ये पकड़ेगी इसको भी मैं पकड़ूँगा। चलो तो अभी रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ। एक प्लेट खाना लिया हूँ 160 रुपये का है। पनीर इसमें 2 पीस है मात्र। छोले की सब्जी रायता और दाल। दाल की क्वांटिटी देखिए कितने कम है। क्या करोगे भैया। तो अभी खाना पीना खा के आ गए हैं यहाँ पे। वही एक प्लेट डोसा लिया था। डोसा तीनों मिलके खा लिए। 80 रुपये का डोसा लिया था और एक प्लेट खाना। अब यहीं पे बैठे हुए हैं और अभी ना थर्ड एसी में टिकट है हमारे। अब यहीं आके बैठ गए। उधर वेटिंग हॉल था एसी वाला लेकिन फिर भी इधर आके बैठ गए। आ जाओ। अभी दोस्तों ट्रेन आ चुकी है तेलंगाना एक्सप्रेस और ये देखिए जो इसके जनरल डिब्बे में भारी भीड़ भाई। इधर देखिए मतलब सांस लेने की जगह नहीं है। और ये देखिए स्लीपर है इसमें भी भारी भीड़। देखिए अभी स्लीपर कोच है और स्लीपर में भी इतनी ज़्यादा भीड़ भाई। अभी शादी वगैरह टाइम चल रहा है ना तो लोग शादी करके आ रहे हैं जा रहे हैं इसी चक्कर में। अब मेरे ख्याल से वहाँ लड़ाई हो गया वो देखो। अरे खड़ो मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए जनरल कोच है और अभी कम से कम 20-25 लोग ने स्लीपर में थे उसके बाद सब जनरल में आ गए तो ये पूरा भर गया फुल हो गया। तो यहाँ तक लटक के जाएंगे कैसे जाएंगे भाई। और एक्सप्रेस ट्रेन है बहुत तेज़ भी चलती होगी ना। दोस्तों अभी ब्लॉग का दूसरा दिन है और अभी 5:30 से 6 बजने वाले हैं सर। अभी मैं बाहर आया था और डुडुक की मम्मी अंदर में सो रहा है शायद। और भाई ट्रेन तो भाई 1 घंटे लेट है क्या कर सकते हैं। अनूपपुर शायद ये 10 बजे के आसपास पहुँचाएगी टाइम हो जाएगा। और 12:30 बजे वहाँ ट्रेन हम लोग की मेमू अनूपपुर से सूरजपुर के लिए। अगर ये लेट हो गई भाई और लेट हो जाएगी ना उसमें और दिक्कत हो जाएगा।
चार पाँच बजे तक घर पहुँच जाएंगे, थोड़ी मोड़ी साफ सफाई कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मेरा गला अभी तक खराब है, ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक्स, गर्म पानी पीऊँगा तो देखते हैं शायद गला सही हो मेरा। फिर तो अनुपुर आ चुका, अनुप उतरने वाले हैं अभी, रात भर ठंडी लगी कभी गर्मी लगी। बोली आइए, इस तरफ नहीं आएगा भैया, इस तरफ नहीं आएगा, उस साइड जाना पड़ेगा भाई। भैया उसको खोल दोगे क्या? उधर से चले जाए, हटो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो हर्षिका चलो। आराम से उतरियो, पहले मैं बैग उतार लूँ ये वाला। तो भाई दो घंटे का वेट करना पड़ेगा अभी हम लोग को यहाँ पे। अब गर्मी लग रही है थोड़ी सी, तबीयत खराब होगी ना बेटा, नाक बहेगी ना, पहले एसी क्या उसके बाद एसी की तेजी। कहाँ चले